नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल होम फॉर इंडिया में। आज मैं आया हूं फिर से रोहिणी के सेक्टर 29 में और यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा आज एक 3BHK ब्रांड न्यू बिल्डर फ्लोर जो कि बना हुआ है 60 मीटर के कॉर्नर के फ्री होल्ड प्लॉट के ऊपर। तो ये मैं आज आपको फ्लोर दिखाऊंगा और इस फ्लोर की सारी जानकारी दूंगा। आइए चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ के प्राइस के बारे में। इस बिल्डिंग में हमारे पास दो फ्लोर की यूनिट अवेलेबल है, अपर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। अपर ग्राउंड फ्लोर का बिल्डर का आस्किंग प्राइस है 78 लाख रुपीज़ और फर्स्ट फ्लोर का आस्किंग प्राइस है 76 लाख रुपीज़। और क्योंकि ये DDA के फ्री होल्ड प्लॉट के ऊपर बना हुआ है तो इसके ऊपर आप बैंक लोन भी ले सकते हैं बहुत ईजिली। और इस प्राइस में हम आपको सिर्फ ये फ्लोर नहीं दे रहे हैं, इस प्राइस में हम आपको इसके साथ में दे रहे हैं एक कमर्शियल शॉप जो कि इसी बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे मिलेगी आपको, जो कि ऑन रिटर्न पेपर्स में आपको मिलेगी। और अगर मैं इस प्राइस को कंपेयर करूं जो हमारे पुराने सेक्टर्स हैं जैसे कि सेक्टर 25 हो गया या सेक्टर 24 हो गया, वहाँ पर अगर आप 60 मीटर के कॉर्नर का फ्लोर लेने जाते हो तो वो कम से कम आपको 1 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ 10 लाख के आसपास के मतलब प्राइस में मिलेगा आज की डेट में। तो ये प्राइस यहाँ के लिए, यहाँ के हिसाब से अभी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप कोई फ्लोर लेना चाहते हैं तो अभी के हिसाब से बहुत अच्छा प्राइस है ये। और यहाँ पे टाटा पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड का बिजली का कनेक्शन है जो कि 24 आवर है। दिल्ली जल बोर्ड का वाटर पाइपलाइन का कनेक्शन है जिसकी फ्रीक्वेंसी अभी थोड़ी सी कम है, मतलब मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग आता है पानी, लेकिन इस बिल्डिंग में हमारे पास समर सीवल का भी कनेक्शन है जो कि चारों वाटर टैंक्स के साथ कनेक्टेड है। मतलब अगर आप कभी भी अपना समर सीवल चलाते हैं तो आपके पास 24 आवर पानी रहेगा। और सेक्टर 29 का जो अंडरग्राउंड वाटर है ना, वो भी काफ़ी मीठा पानी है, आप उसको डायरेक्टली भी पीने के लिए यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे IGL का गैस पाइपलाइन का कनेक्शन भी है। और अगर मैं बात करूँ इस सेक्टर 29 के इस पॉकेट के बारे में तो ये सेक्टर 29 का B3 पॉकेट है। यहाँ पे अभी सेफ्टी और सिक्योरिटी पर्पज से थोड़ा सा कंसर्न है, लेकिन और भी जैसे और लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनसे हमने बात करी, उनसे उन्हें पूछा तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आई है, थोड़ा रात को उनको डर लगता है आने जाने में यहाँ पे। तो ये सारी थी इस पॉकेट के बारे में इंफॉर्मेशन और इस फ्लैट के बारे में। अब चलते हैं अपने उस फ्लोर के ऊपर, आइए चलिए मेरे साथ। सो दिस इज आवर फ्लोर, यहाँ पे हम सामने ये हमारी लिफ्ट है जो अभी इंस्टॉल होनी बाकी है और ये इसका स्टेयर्स एरिया पूरा। तो बिल्कुल लिफ्ट के लेफ्ट साइड में हमारा मेन गेट रहेगा, ये हमारी मेन एंट्रेंस है। दिस इज द फर्स्ट लुक ऑफ आवर फ्लोर। अभी ये बिल्कुल रॉ फ्लैट है लेकिन तैयार करके देंगे बिल्डर, अभी फिलहाल के लिए रॉ रखा हुआ है। सामने यहाँ पे UPVC की विंडो लग जाएगी, ये गेट बन जाएगा। पहले मैं आपको उसको लेआउट बता देता हूँ। 2 बेडरूम और 1 अटैच वॉशरूम यहाँ पर है, ये कॉमन वॉशरूम है। एक ये यू शेप किचन है और बिल्कुल इधर ये हमारा 3rd बेडरूम है। तो मैं इसको आपको बालकनी दिखाता हूँ इसकी, ये हमारी बालकनी है। यहाँ पर अभी स्टील की रेलिंग लगनी है और UPVC का गेट जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो अब अगर मैं चलूँ इसकी किचन की तरफ तो यू शेप की किचन है, अभी पूरी मॉडुलर किचन ये बनेगी। यहाँ पे इजीली आप वर्क करके अपना सर्व कर सकते हैं, यहाँ पे आप गैस स्टोव रख सकते हैं, किचन में भी आपको वेंटिलेशन मिल जाएगी अच्छी। और किचन के बिल्कुल सामने यहाँ पे ये वॉश बेसिन के लिए एरिया बनाया है। अब इसके साथ में है ये बाथरूम जो कि एक कॉमन बाथरूम है, यहाँ पे हमारा WC लग जाएगा और ये नहाने के लिए स्पेस हो गया। यहाँ से बाहर निकलेंगे, यहाँ पे हमारा 1st बेडरूम। पूरे घर में फॉल सीलिंग करी हुई है, इसमें LED लाइट्स लगेंगी और पूरे घर में टाइल का वर्क करा हुआ है। ये हमारा 2nd बेडरूम। इस बेडरूम में यहाँ पे अलमीरा बनेगी और इसके साथ में अटैच वॉशरूम है जो कि 2nd वॉशरूम है। ये हमारा नहाने के लिए हो गया और यहाँ पे स्पेस है WC के लिए। यहाँ से बाहर निकलते हैं, चलते हैं 3rd बेडरूम में। दिस इज द 3rd बेडरूम। इसमें भी वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल जाएगी, यहाँ पे मिल जाएगी, प्लस यहाँ पे एक अलमीरा भी बना के देंगे। अब यहाँ से ये है हमारा बालकनी, बालकनी भी देखिए कितनी एक्सटेंड करी हुई है बालकनी। यहाँ पे आपका रेलिंग लगेगी अभी और ये आपका वॉशिंग एरिया भी है, यहाँ पे आप इजीली अपनी वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। और
ये इसके सामने का व्यू है, तो सामने बिल्कुल आपको HIG फ्लैट्स देखने को मिल जाते हैं, और इसके साथ में ये 12 मीटर की रोड इस तरफ है और 12 मीटर की रोड इस तरफ है। ये 12 मीटर की रोड है और ये बिल्कुल सामने सारा इसका व्यू है। और इस फ्लैट के साथ में आपको एक चीज़ और मिल जाती है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि हर फ्लैट के साथ में मिलेगी, क्योंकि एक स्टोर रूम है, ये एक हमारा स्टोर रूम है जो कि स्टेयर केस में है, और ये हर फ्लोर के साथ एक अलग अलग स्टोर रूम है, और ये स्टोर रूम बहुत ज़रूरी होता है एक घर के अंदर, तो ये भी आपको इसके साथ में मिलेगा। तो ये था हमारा 60 मीटर का कॉर्नर का बिल्डर फ्लोर जो कि लाया करता है सेक्टर 29 के बी ब्लॉक में। इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो या यहाँ पर आके विजिट करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और मेरे साथ यहाँ पर आके विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तब तक